हम इंसान ही नहीं, भूत प्रेत और आत्माएं भी अपना बदला लेती हैं। ये केवल कहने की बात नहीं है, कभी कभी ऐसा सच भी होता है। आज की हमारी कहानी भी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो कि आपको बेहद पसंद आएगी, तो कहानी को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शंकर जब से शहर से आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा साधा युवक शंकर वहां के सम्मानीय गिरजा पंडित जी की पहली औलाद बड़े सपनों से पाल पोस कर उसे भगा किया था। शहर पगले भेजा था उन्होंने, पर अब उसे देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, केवल रंग ढंग चा बोल चाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शेंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ हो दंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था। कहीं किसी को पीटना हो, छिड़खानी करनी हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता कि उससे जाल में सब फंस जाती। अभी उनके बॉयज हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी, पिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शंकी को चुनौती ले रखी थी, इसे पटा के दिखा तो जाने। पहले पहले शंकी ने ध्यान ना दिया, फिर एक दिन उसने पिया की फोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी, गोरा दुधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो अपलक उससे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जागी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। शेंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उससे साक्षात सब के सब भी देख ना पाया। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाली प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शेंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। वह पार्क पहुंच गया। सुबह वहां जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। शेंकी अब उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आँख उठा के भी उसे ना देखा। वह बहुत परेशान हो उठा। ये लड़की कैसी है? शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। इसने तो आँख उठा के भी नहीं देखा, ऐसे कैसे? शेंकी के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वह चिलचिलाने लगा था, अब बात बात में खूंखार हो उठता। चाह के भी पिया की बेरुखी उससे सहन नहीं होती। जितनी कोशिश करता उसे भुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्की शाम को धुंधलका छाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो शेंकी। वह पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको तुम बहुत दिनों से पाना चाह रहे थे। बेसकता वो बोला, पिया हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंस पड़ी और बोली, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के ना देखना। मेरे बराबर आ जाइए, शेंकी ने अनुनय की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। शेंकी ने उसका कारण जानना चाहा। वो दबे सर में बोली, इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। आहा, नहीं पीछे नहीं, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शेंकी को बहुत मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुए। छोड़े, वो चिलचिलाने लगा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शेंकी बहुत डर गया था। गहरी गहरी सांसें लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर औंधा गिर गया। शेंकी बहुत डर गया था। उस दिन कुछ दिनों तक वह पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि वो पिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज पिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो जान छोटी, अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिपरचित आवाज़ आई, बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए हो, वो बोली। बीमार था, शेंकी कांपती आवाज़ में बोला, अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं। चलो तुम्हें शक्ल दिखाती हूँ आज, अपनी नाक की सीध में चलते रहो।
जब मैं कहूंगी तब रुक जाना। शेंकी यंत्रवत चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे आवाज पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की, वो पिया जैसी ही दिखती थी। शेंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वह चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के पैर उल्टे थे। तो क्या वो लड़की नहीं चुड़ैल है? कोई भगवान, ये कैसे चक्कर में पकड़ गया मैं? शेंकी पत्ते की तरह सिहरा उठा। और क्या सोच रहे हो शेंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो हकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी जल्दी, अभी तो मिले ही हैं। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शेंकी ने कहा तो वो लगा कि हंसने लगी, ठहाके लगा के हंसने लगी। अब पूरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ में ना आता कि क्या करें। बीमार डरा हुआ रहने लगा। हर वक्त उसके दोस्त परेशान कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए वो कुछ बगबगा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना तो वो रोते हुए पिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। अगले ही दिन शेंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया गया कि शेंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभाले आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर शेंकी को बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लीजिए, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी और अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और शेंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शेंकी बहुत जल्दी ही पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बात करने लगी। आज फिर से उसने शेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडहर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को डरावना बना रहे थे। कुछ चमगादड़ उड़कर शेंकी कान के पास तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे वीरान में लाकर पटकने वाली थी कि शेंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो उस लड़की से कुछ न कुछ कह पाई। मामला समझ आते ही वो कुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल को शेंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार के लिए रसूखदारों ने उनसे उसका ठेला छीन लिया और उन्हें मार डाला, साथ में इसे भी मार डाला। अब इसे बदला लेना था। उसके बताने से समाज में कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। उस चुड़ैल का बदला अब पूरा हो चुका था। उनको पुलिस ने सजा भी दी। शेंकी ने अब तौबा कर ली थी। उसकी आत्मा को छुटकारा मिला कि पकड़ने आया था शहर में, बस पढ़ाई करूँगा, बाकी फन खान नहीं बनना। क्या सच में ये आत्माएँ बदला लेती हैं या फिर ये बस एक कहानी है? ये समझना तो बहुत मुश्किल है, बट अगर कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो कृपया सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें। मिलेंगे आपसे फिर एक नई कहानी में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।